दोस्तों ये फुट ऑफ स्प्लिंट में ये वेलक्रो से कुशन लगाया होता है जो बार बार गर्मी में निकल जाता है। तो मैंने एक आइडिया ढूंढा है, इस तरह से थोड़ा ऊपर रखकर मैं तीनों जगह अच्छे से रिवेट लगा देता हूँ ताकि बहुत ही अच्छी तरह ये फिक्स हो जाए और हमें चलने में आसानी रहे, क्योंकि ये बार बार निकल जाता है तो हमें एक्स्ट्रा सपोर्टर की भी ज़रूरत पड़ती है और अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैंने तीनों जगह यानी बीच में और दोनों साइड मैंने अच्छे से ऐसी इस तरह से रिवेट लगा देता हूँ। दोस्तों इसमें मैंने जैसे कि आपने देखा कि तीन रिवेट लगा दिए तो ये पूरा ब्लॉक हो गया है, अब ये निकल नहीं पाएगा तो एकदम जाम हो जाएगा। तो इससे क्या कि सपोर्टर की ज़रूरत नहीं, तो इसमें ये हमारे ये सपोर्टर आते हैं इस तरह के, तो उससे मैं अभी आपको ये बता दूंगा ये आपके क्या काम आएगी। और दूसरे स्प्लिंट होते हैं ये देखो, ये है ना, आपको ये पैर से थोड़े कम हो गए तो भी चलेगा, जैसे कि मेरे बहुत ही कम है इसमें पूरा, यानी कि इतना कम है यानी ये। और दूसरे स्प्लिंट जो आते हैं वो इस तरह के आते हैं, इसमें क्या होता है कि ये पूरा का पूरा वेलक्रो से ये पूरा निकल जाता है, तो उसमें सपोर्टर लगाना है, यानी कि ये सपोर्टर आते हैं इसमें, इस तरह के जो सपोर्टर आने आते हैं जो लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये कभी भी निकल जाता है। तो हमें यहाँ तीनों जगह रिवेट लगा देने हैं क्योंकि निकले नहीं, और सपोर्टर में इस तरह के अगर सपोर्टर आते हैं तो ये हमारे और भी काम आ सकते हैं। ये मैं ये भी बता देता हूँ क्या काम आएगी दोस्तों, इसमें ये वाले सपोर्टर से ये वाले एक्सरसाइज बहुत ही ईजी पड़ जाएगी आपको, ये दोनों ये काम आ जाएगी आपको। अब मैं आपको सॉक्स और स्प्लिंट कैसे पहनते मैं कैसे पहनता हूँ वो पूरी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है, 10 सेकंड में वो ख़त्म हो जाएगी, 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी मेरे शूज़ पहनने में, ताकि आपको पता चल जाएगा मैं किस तरह से ये पहनता हूँ शूज। दोस्तों मैं ये जूते यही साइज़ के, यानी कि मेरे 8 नंबर है तो मैं 9 नंबर के यूज़ करता हूँ। तो क्या है कि एक ज़्यादा होता है तो पैर अंदर डालने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और दूसरी चीज़ मैं ये आगे वाली जीप को बड़ी पसंद करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि वन साइड ये जो है मैं निकाल देता हूँ, या कि मुझे यहाँ ज़्यादा जगह बनी रहे और मेरे पैर फट से अंदर आ जाए और मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसी तरह से मैं रखता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि कितना इजीली मैं ये पहन सकता हूँ, यानी कि आप उसी आपको जो कंफर्टेबल जूते आए वही हर बार लेने हैं, दूसरे कोई अलग अलग ट्राई नहीं करने। मैंने ये थर्ड पैर है मेरे यही वाले मैं यूज़ करता हूँ, यानी 2 साल से आप यही जूते देखोगे मेरे और आगे वाले आने वाले दिनों में शायद यही देखोगे। दोस्तों अब मैं जूते पहनता हूँ तो आपको बताऊँगा 10 सेकंड में मैं पहन लेता हूँ, तो आप देखो कितनी प्रोसेस बहुत ही, जैसे कि मैं ये सॉक्स है तो मैं इसको ये पैर करके इसको इस तरह से ये सॉक्स रखता हूँ हमेशा, कि सीधे नहीं रखता हूँ कि अंदर से फटाक आ जाए। तो ये पहन लिया मैंने सॉक्स, अब ये जूते तो उसको मेरे जिप में इस तरह से करके ये सीधे पैर, आप जितना अच्छे से ट्राई करोगे हो जाएगा। ये पहन लिया, देखो कितनी आसानी से होगा। अब ये ऐसे ही मैं रखता हूँ, कोई भी इसमें कोई है नहीं, सीधा बस उठ के चलना शुरू कर देता हूँ मैं आपका, ठीक है।